दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिजली ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी? आज घर से लेकर ऑफिस तक और सड़क से लेकर फैक्ट्री तक आपको बिजली से चलने वाले उपकरण दिखते हैं। बिजली के आविष्कार से इंसान के रहन सहन और जीने के तरीके में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बिजली बनती कैसे है और बिजली बनाने के लिए किन मटेरियल्स का यूज किया जाता है? दोस्तों, बिजली बनाने के लिए कई मटेरियल्स का यूज किया जाता है। जी हाँ, जिसमें कोयला सबसे ज्यादा यूज होता है। इसके साथ ही हवा, पानी, सनलाइट जैसे मटेरियल्स भी यूज किए जाते हैं। आप कोयला, सनलाइट और पानी से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पवन चक्की को देखा है? और आपने यह कभी सोचा है कि हवा से बिजली कैसे बनाई जाती होगी? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हवा से बिजली कैसे बनाई जाती है, हवा से बिजली बनाना कितना मुश्किल है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि हवा दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कितना किफायती है। हवा से बिजली के बनने की प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों, एनर्जी यानी कि ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक फॉर्म के दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है हवा से बिजली के उत्पादन में। हवा में बहाव होता है जिसके कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। उसी काइनेटिक एनर्जी को विंड टर्बाइन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसे फिर एक जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, हवा से बिजली बनाने के प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में समझ सकते हैं। इसके पहले पार्ट में विंड टर्बाइन यानी कि पवन चक्की का सेटअप करना, जबकि दूसरे सेक्शन में इसका वर्किंग प्रोसेस शामिल है। सबसे पहले हम पहले पार्ट यानी कि पवन चक्की को सेट करने के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक सही जगह को सिलेक्ट करने के बाद विंड टर्बाइन को वहां पर इंस्टॉल किया जाता है। इसके लिए विंड टर्बाइन के टावर को कई सेक्शन में बांटा जाता है। कई सेक्शन में बनाकर फिर उसे आपस में जोड़ दिया जाता है। टावर के सभी सेक्शंस होलो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। टावर का सबसे निचला सेक्शन सबसे ज्यादा डायमीटर का होता है, जबकि सबसे ऊपर वाला सेक्शन सबसे कम डायमीटर का होता है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टावर का डायमीटर घटता है। इसके पीछे की वजह यह है कि सबसे ज्यादा लोड सबसे नीचे के सेक्शन पर आता है, और इसीलिए इसे ज्यादा मजबूत और बड़े डायमीटर का बनाया जाता है। इसके साथ ही टावर को खोखला यानी कि होलो भी बनाया जाता है। इससे सभी केबल्स को टावर के अंदर सेट कर दिया जाता है, जिससे कि केबल सेफ रहते हैं। इसका एक फायदा यह भी होता है कि पूरा टावर कम वेट का होता है, जिससे इसके बनने में खर्चा भी कम आता है। टावर के अंदर सीढ़ी बनी होती है, जिसका यूज पवन चक्की यानी विंड टर्बाइन के रिपेयरिंग के दौरान किया जाता है। अगर टावर होलो नहीं बनाया जाता तो एक अलग से सीढ़ी का इंतजाम करना पड़ता है, जिसके कारण खर्च और बढ़ जाता है। वहीं अगर बात करें तो टावर के अंदर जाने के लिए इसके सबसे निचले सेक्शन पर एक एंट्रेंस गेट लगा होता है, जिसे जरूरत पड़ने पर खोला और बंद किया जा सकता है। टावर हाइट भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हाइट के बढ़ने से एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि फिर उसे सपोर्ट देने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। इससे एनर्जी जनरेशन का कॉस्ट बढ़ता है। हालांकि आज के समय में टावर की हाइट 32 फीट से 500 फीट तक होती है। टावर को खड़ा करने के बाद इसके ऊपर ब्लेड और हब को सेट करना पड़ता है। जनरली सभी पवन चक्की में तीन लंबे ब्लेड्स को लगाया जाता है। ब्लेड की लंबाई 170 फीट से ज्यादा ही होती है, और यह अलग अलग जगहों और उसके एरिया के हिसाब से बदल दी जाती है। नीदरलैंड की हेलियड एक्स ऑफशोर विंड टर्बाइन में दुनिया की सबसे लंबी ब्लेड लगी है, जिसकी लंबाई 351 फीट की है। ब्लेड्स को फैक्ट्री से उस साइट तक ले जाना भी एक चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि इतने लंबे ब्लेड को एक ट्रक से नहीं ले जाया जा सकता। और इसके साथ ही पवन चक्की भी ऐसी जगहों पर होती है जहां पर अच्छी सड़कें नहीं होती हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए और ब्लेड्स को साइट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रकों को भी बनाया जाता है, जो साइज में भी बड़े होते हैं और खराब रास्ते पर भी आसानी से चल सकते हैं। इन ब्लेड्स को रोटर हब पर फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, ब्लेड को रोटर पर फिक्स दो तरीके से किया जा सकता है। पहले तरीके में रोटर पर तीनों ब्लेड्स को फिक्स करके फिर उसे टावर के टॉप पर क्रेन की मदद से फिट किया जाता है, जबकि दूसरे तरीके में पहले रोटर को टावर के टॉप पर ले जाकर फिट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद एक एक ब्लेड को क्रेन की मदद से रोटर में फिट किया जाता है। इन दोनों में से किस मेथड का यूज किया जाएगा, ये डिपेंड करता है एरिया और ब्लेड के वेट पर। दोस्तों, पवन चक्की का सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट को नसल कहते हैं। यह टावर के ऊपर लगा होता है और रोटर इसमें फिक्स हो रहता है। नसल का साइज इतना बड़ा होता है कि इसमें इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस रहकर काम कर सकते हैं। नसल के अंदर सारे कॉम्पोनेंट्स जैसे बेयरिंग, शाफ्ट, ब्रेक्स, जनरेटर, गेयर बॉक्स को फिट कर दिया जाता है। इसके बाद हवा से ब्लेड्स घूमते हैं, लेकिन इसका आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट बहुत कम होता है, और इतने कम आरपीएम से बिजली नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए गेयर बॉक्स का यूज करके आरपीएम को बढ़ाया जाता है।
जाता है। वहीं हब को गेयरबॉक्स से जोड़ने के लिए शाफ्ट का भी यूज किया जाता है। दोस्तों, नेसल के अंदर आरपीएम कन्वर्शन बहुत ज्यादा होता है। जब हब एक रोटेशन पूरा कर लेता है तो गियर 90 से 100 रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। गियर से एक डेफिनेट आरपीएम पाने के लिए इसके साथ ब्रेकिंग सिस्टम पे अटैच कर दिया जाता है। जब कभी विंड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ब्लेड्स की आरपीएम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण गियर के काफी तेज से रोटेट करने का डर रहता है और ऐसे में गियर फेल हो सकता है। गियर हमेशा यूनिफॉर्म आरपीएम दे, इसके लिए ही ब्रेकिंग सिस्टम यूज की जाती है, जो आंधी में ब्लेड के स्पीड को कम करने का काम करता है। गियरबॉक्स भी एक शाफ्ट की मदद से जनरेटर से जुड़ा होता है। गियर के घूमने से शाफ्ट घूमता है और फिर जिससे जनरेटर की मैग्नेटिक कॉइल घूमती है और ऐसे बिजली जनरेट होती है। बाद में इस बिजली को केबल की मदद से नीचे ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको बताएं कि हवा की गति और दिशा दोनों ही बदलती रहती हैं, जो बिजली उत्पादन के लिए सही नहीं रहता है। जी हाँ, विंड स्पीड चेंज की प्रॉब्लम से निपटने के लिए गियरबॉक्स और ब्रेकिंग सिस्टम नसेल में लगा रहता है, जबकि विंड डायरेक्शन में होने वाले बदलाव से कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए नसेल के पिछले हिस्से में एक एनोमोमीटर को फिट कर दिया जाता है। रोटर हब और ब्लेड्स को हवा की दिशा में रखने के लिए एनोमोमीटर पूरे नसेल को ही उस दिशा में घुमा देता है। घूमने की इस प्रोसेस को योइंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी विंड टर्बाइन के स्ट्रक्चर और डिजाइन के बारे में जानकारी। अब आपको बताते हैं कि पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है जिससे बिजली पैदा होती है। दोस्तों, हवा के चलने से ब्लेड स्लो स्पीड से रोटेट करता है। ब्लेड्स रोटर हब पर फिक्स रहता है और इसलिए रोटर हब भी घूमता है। रोटर के घूमने से गियर हाई आरपीएम के साथ रोटेट करता है। गियर शाफ्ट की मदद से जनरेटर से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण जनरेटर का कॉइल रोटेट करता है और बिजली जनरेट होती है। इस बिजली को टार के अंदर के केबल्स की मदद से नीचे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके साथ ही विंड पावर प्लांट में कई टर्बाइंस लगे होते हैं और सभी का प्रोसेस यही रहता है। इन सभी टार के नीचे भी एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह से सभी टर्बाइंस के हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक मेन केबल की मदद से इलेक्ट्रिक सबस्टेशन तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, अब तक आप हवा से बिजली बनाने के पूरे प्रोसेस को समझ चुके होंगे, तो अब इसके कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में भी जान लीजिए। विंड टर्बाइन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बिजली बनाने के पूरे प्रोसेस में बहुत कम कार्बन एमिट होती है, जिसके कारण हवा से बिजली उत्पादन की टेक्निक को इको फ्रेंडली माना जा सकता है। इसका दूसरा फायदा है फ्री विंड का यूज। जी हाँ, यहाँ आप ये भी जान गए होंगे कि इस मेथड में हवा का यूज किया जाता है, जो सभी को फ्री मिल जाती है। और तीसरा फायदा यह है कि हवा का अनलिमिटेड स्टॉक, यानी कि जहाँ एक तरफ कोयला, पेट्रोल, डीजल आने वाले समय में खत्म होने वाले हैं, तो वहीं हवा यानी कि विंड कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। वैसे इन फायदों के साथ विंड टर्बाइन के एक कई नुकसान भी हैं, जैसे कि विंड को सेटअप करने में बहुत ज्यादा खर्च लगता है। इसके साथ ही प्लांट को वहीं पर सेटअप किया जा सकता है जहां पर हवा हमेशा अवेलेबल रहे, जैसे कि समुद्री इलाका या फिर डेजर्ट एरिया। अगर हम विंड पावर प्लांट की तुलना थर्मल पावर प्लांट से करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम मिलेगी। मतलब कहने का ये है कि इससे इनिशियल कॉस्ट ज्यादा है और एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन विंड पावर प्लांट के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।